आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इन गौरवान्वित पलों के साक्षी बने। बाबा भोलेनाथ की नगरी नाथ नगरी बरेली में एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। एक साथ 10,000 डमरू का जो नाद हुआ है, जिसे हमको हम लोग नाद महोत्सव मनाने वाले थे, वास्तव में नाद महोत्सव हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता, आरजेवाईएस ग्रुप के तमाम लोग और तमाम नाथ नगरी के बाकी सनातन धर्म के लोग लगे रहे, उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ की। देखिए, नाथ नगरी बरेली में अगर कोई पर्व सबसे बड़ा होगा तो महाशिवरात्रि का होगा, और निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि का पर्व है तो नाथ नगरी का एक एक भगवान भोले का भक्त आज हर्षोल्लासित है, हर्ष से फूला नहीं समा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नाथ नगरी में चार चांद और लगे कि हमारी नाथ नगरी को पहचान दिलाने के लिए नाथ महोत्सव की शुरुआत हो रही है। नाथ महोत्सव इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस नाथ नगरी को हम पिछले सैकड़ों वर्षों से नाथ नगरी तो कहते आ रहे हैं, लेकिन इसको विश्व के मानचित्र पर और भारत के मानचित्र पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और तमाम भोले के भक्तों के द्वारा ये परंपरा भी शुरू हो गई और नाथ नगरी को आज विश्व के पटल पर स्थान मिल रहा है, जिसकी ये झलक आपको दिख रही है कि दसियों हजार लोग एक साथ डमरू का नाद कर रहे थे और नाथ महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग ताज महोत्सव मनाते हैं, समझ में नहीं आता क्यों मनाते हैं, लेकिन नाथ महोत्सव जो कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है और विश्व से एक संदेश, शांति का संदेश देकर ये डमरू का नाद आज जो यहाँ पर हुआ है, अलौकिक है, अद्भुत है, अतुलनीय है। ग्यारह हजार डमरू की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा भी एक गाड़ी और रस्ते में है, वो भी आने को है। अभी ही संख्या अगर आप देख रहे होंगे तो 8,000 से ऊपर संख्या अभी है, जबकि कार्यक्रम शुरू होने में अभी आधा घंटा है। तो आज हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर हैं और ये जो डमरू की जो गूंज है ये गोरखपुर तक पहुंचनी है, ये भारत के हर जिले तक पहुंचनी है और विश्व के हर सनातनी तक पहुंचनी है। आज का ये कार्यक्रम विश्व का एक रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना था कि हम बरेली को नाथ नगरी के नाम से ही इसको प्रसिद्ध करेंगे, क्योंकि ये नाथ नगरी नाथों का शहर है ही, तो आज हम ये शिव जी, अपने शिव भगवान को याद करने का काम करने वाले हैं। संपूर्ण बरेली यहाँ पर एकत्रित है और 11,000, जैसे मेरे भाई ने बताया, 11,000 डमरू यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और 4,000 और, यानी कि 15,000 डमरू बनाने का एक विश्व रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। ये बरेली नगरी, नाथ नगरी बरेली धाम के सभी वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरेली को नाथ नगरी घोषित किया गया है और नाथ कॉरिडोर का जो घोषणा की गई है उसका निर्माण भी प्रारंभ हो गया है।
इसी उद्देश्य से, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है नाथ महोत्सव, ये इसका प्रारंभ हो गया है। इसमें वैसे सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, लेकिन चूंकि काफी बिजी होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन कार्यक्रम विधिवत रूप से ये चलते रहेंगे। और आज जो यहाँ बरेली कॉलेज पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ पूरे विश्व में इस प्रकार से इतनी संख्या में एक साथ जो है डमरू का वाद जो है वादन जो है नहीं हुआ होगा, ये आज यहाँ पे होने जा रहा है। और इसी की कड़ी में कल सुबह, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सातों नाथ की एक परिक्रमा भी होगी जो 29 किलोमीटर की है और पैदल यात्रा होगी। इसी प्रकार डमरू लेके हम लोग जो है पैदल यात्रा करेंगे और धोपेश्वर नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर जो है तपेश्वर नाथ, फिर मणिनाथ, मणिनाथ से फिर जो है अलकनाथ, अलकनाथ से त्रिवटीनाथ, त्रिवटीनाथ से बनखंडीनाथ, बनखंडीनाथ से हम जो है पशुपतिनाथ पे इसका समापन करेंगे। क्योंकि जो एक व्यवस्था है इसका, जो हमारा जो नाथ नगरी का जो हम वो करेंगे संचालन करेंगे, वो कंप्लीट ना करके हम जो है सातों नाथ को छूके और वापसी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शिवालय का जो परिक्रमा होती है पूरी नहीं की जाती। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको 20 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कल जो है सुबह 10:30 बजे धोपेश्वर नाथ से प्रारंभ होगी। वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से एक समय ये आएगा जो हमारी 29 किलोमीटर की जो आपका कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिस प्रकार से वृंदावन में जो लोग परिक्रमा करने जाते हैं, यही स्थिति हमारे पूरे विश्व में बरेली की एक होने जा रही है कि बरेली में अब जब किसी को भी शिव में होना है, नाथ में होना है, तो बरेली में निश्चित रूप से आएगा और यहाँ की यात्रा करके अपने आप को धन्य साबित करेगा। और जो है अब सबको मालूम ही है, नाथ नगरी बरेली धाम, जय श्री राम। लगभग 10,000 डमरू की व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूँ संख्या काफी है, कुछ लोग जो रह जाएंगे, लेकिन एक इतिहास बन जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी डमरू जो है।